खबर टिहरी जिले से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में क्षेत्रीय प्रकरणों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सड़क, पेयजल, वन विभाग, खनन न्यास से संबंधित प्रकरणों के साथ ही वीर माधो सिंह भंडारी मेले को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता को हिंडोला खाल पंपिंग पेयजल योजना का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने पेयजल पंपिंग योजना में मैन पावर एवं मशीन बढ़ाते हुए गुणवत्ता के साथ कार्यों में प्रगति लाते हुए समय से योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसी दौरान विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि योजना कोई भी हो, उसका उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसके साथ ही उन्होंने सड़कों एवं पेयजल से संबंधित लंबित प्रकरणों को जल्द ही निस्तारित करने को कहा। टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट। और आपने देखा होगा कि मात्र एक घंटे के अंदर रेलवे ने आदेश जारी कर दिए हैं कि हम जो है 12/12/2024 से जिलाधिकारी मोदी जी स्तर में जो सर जो है समतलीकरण के लिए टनल के लिए जो है उसका डालने का काम शुरू कर दें। तो वहाँ पे क्योंकि मेरे पिछले मीटिंग जो मैंने 2 मिनट मैंने कर ली थी, हमने स्टेडियम की जमीन भी क्लियर कर दी है और स्टेडियम का भी सब कुछ दे दिया। अब रेलवे को वहाँ पर स्टेडियम का काम शुरू कर, तो रेलवे ने हमको लिख के दिया था 12 तारीख का समतलीकरण का काम शुरू कर देंगे। और मेरी विभाग की बैठक थी, जैसे पीडब्ल्यूडी के फोर्स में कोई प्रकरण थे उसको लेकर, और एक सबसे बड़ी बात है कि वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी का जो मेला है उस मेले को लेकर मेरा डीएम से मीटिंग थी, एसडीएम में मैंने बुलाई है। और उसके बाद जो है कि फिर हमारा कृतनगर का ही मेला हो तो उसको लेकर मेरी बैठक थी।